स्वीकार करने की बात। और देखना, अपने सनातन वैदिक धर्म में कहीं भी किसी भी देवता के, पंडित जी अगर हुई हो तो मुझे बता देना, किसी भी देवता के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती, किसी भी देवता के पूरे परिवार की पूजा। राम जी की बहुत पूजा होती है, लेकिन दशरथ के मंदिर तो नहीं मिलते, लवकुश के तो नहीं मिलते। कृष्ण जी की बड़ी पूजा होती है, देवकी वसुदेव के मंदिर कहीं मिलते, नंदराय और यशोदा के मंदिर कहीं, या उनके बच्चों के मंदिर मिलते हो। आधे से ज्यादा लोगों को तो कृष्ण के बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, राम जी के तो दो ही थे, इसलिए तुमको बोलो इनके भी दर्जन भर होते तो तुमको इनका भी पता नहीं चला। राम जी के तो दो थे इसीलिए तुमको पता, इनके भी थोड़े ज्यादा होते तो इनके भी नाम तुमको याद रहने वाले नहीं थे। भगवान कृष्ण के बच्चों के तो तुमको नाम भी याद नहीं होंगे, मंदिर दूर की बात, पूरे परिवार की कहीं पूजा नहीं होती। लेकिन शंकर जी का परिवार ऐसा है जहां पूरे परिवार की पूजा होती है, जहां पति की पूजा होती है वहां पत्नी रूप में माँ गौरा की भी पूजा होती है, जहां पिता की पूजा होती है वहां गणपति और कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है, और तो छोड़िए उनके गले के सांप की भी पूजा होती है। उनके गले के सांप को छोड़ो, सांप से तो तुम डर के भी पूजा करते हो, आधे से ज्यादा तो नाग की पूजा, ये बीबियां बैठी हैं, नाग पंचमी मनाते हो, झूठ नहीं बोलना, डर के मनाते हो कि ईमानदारी से मनाते हो? आधी से ज्यादा डर के मनाती, कहीं नागराज निकल ही ना है। नाग की पूजा तो डर के, लेकिन शंकर जी की तो गाड़ी की भी पूजा होती है। भाई उस सब जमाने में गाड़ियां नहीं थी, बैल उनकी गाड़ी तो है, और क्या, उनके वाहन की भी पूजा होती है। और देखिए देवताओं में पहले देवता की पूजा, बाद में उनके गणों की पूजा, लेकिन शंकर जी की कितनी गजब की व्यवस्था है कि शंकर जी की पूजा बाद में, उनके गणों की पूजा पहले। मंदिर में बाद में घुसोगे, पहले नंदी जी को प्रणाम करना, बोलो ना। भगवान कहते हैं कि जिसने छोटों को गले लगाना सीख लिया, जिसने छोटों को प्रणाम करना सीख लिया, वो मुझ तक पहुंच सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो अहंकार में जीता है वो कभी भी मुझे प्राप्त कर सकता नहीं है। ये भगवान शंकर जी का गुण है महाराज। जितनी शिक्षा आपको शंकर जी देते हैं, दूसरा कोई देवता शिक्षा उतनी आपको दे सकता, बोलो ना। शंकर जी का पूरा परिवार बड़े गजब का, शंकर जी का पूरा परिवार, अरे बोलो ना, कितने बच्चे हैं इनके, बोलो। तीन तो तुम अब नाटक देख के कह रहे हो। शास्त्रीय पद्धति में भगवान शंकर के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, बात जरा प्राइवेट है, आगे किसी को नहीं कहना। और दो बेटों में एक में माँ की जरूरत नहीं पड़ी, एक में बाप की नहीं पड़ी। हाँ देख लो हिसाब किताब लगा। गणेश जी में बाप की जरूरत और कार्तिकेय जी में, एक में बाप की जरूरत नहीं पड़ी और एक में, बच्चे कितने इनके, तो परिवार नियोजन को मानते हैं बच्चे, ज्यादा भीड़ नहीं करना। किसको मानते हैं बोलो, नहीं शिक्षा लो जरा समझो, हंसने की बात नहीं। गणेश जी हाथ में बही खाता लेके बैठे, साथ में लक्ष्मी, हाथ में बही खाता, और ये बात अलग है कि बरनाला वालों ने ढोलकी पकड़ा दी। कृष्ण कन्हैया लाल ये अलग बात है, बाकी तो गणेश जी के हाथ में क्या मिलेगा आपको, बही खाता, साथ में लक्ष्मी। और कार्तिकेय जी क्या है, ये है सेनापति। कार्तिकेय जी क्या है, सीखो शंकर जी से। दो बच्चे हैं, एक के हाथ में बही खाता, मतलब एक को व्यापार में लगा दिया, एक को व्यापार में लगा दिया पैसा कमाने के लिए, और दूसरा है सेनापति, माने एक को देश की रक्षा में छोड़ दिया, सेनापति बना दिया, सैनिक बना दिया। दो बच्चे हों तो एक को धन कमाने के लिए छोड़ो, दूसरे को देश की रक्षा करने के लिए छोड़ो। आप विचार करो, हजारों लाखों लोग अमरनाथ में आते हैं, अगर ये सैनिक लोग आपकी रक्षा ना करते तो क्या आप अमरनाथ में आकर के भगवान का दर्शन कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं, एक बच्चे को धन कमाने के लिए लगा दो और दूसरे को देश की। लेकिन तुम्हारे होते ही दो हैं, एक मुंडा ते एक तियानु जवाई ले गए ते पुत्तानु ते सेना चकीनु भेजिए महाराज, तुम्हारे यहां समस्या ही बड़ी गजब की।